हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द टॉपिक प्री फॉर्मुलेशन तो प्री फार्मुलेशंस के बारे में हम ये वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे सो दिस इज अवर पार्ट फॉर वीडियो लेक्चर ऑन दिस टॉपिक ऑफ ए प्री फार्मुलेशन तो प्री फार्मुलेशन के बारे में जो हमारे वीडियो लेक्चर की सीरीज है उसमें ये पार्ट फॉर वीडियो लेक्चर है और ये वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे प्री फार्मुलेशन रिलेटेड वो है मॉलिकुलर एडक्ट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे उसके बाद स्टोक्योमेट्रिक जो स्टडी होती है प्री फार्मुलेशन के अंदर उसके बारे में जानेंगे फिर इंक्लूजन कंपाउंड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे वाट आर द हाइड्रेट्स एंड वाट आर दॉलवेट्स वो हम समझेंगे एंड उसके रिलेटेड एग्जाम्पल एंड समरी हम डिस्कस करेंगे ये लेक्चर में सो so, शुरू करते हैं लेक्चर में सो so, सब्सक्राइब करिए चैनल प्रेस करिए बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मर ऑक्स फार्मर ऑक्स का जो स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर अब फार्मर ऑक्स की ऐप ऊपर अवेलेबल है तो अगर आप एंड्रॉयड ऐप यूज़ करते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर से आप डाउनलोड कर लीजिए एंड एप्पल आईफोन है आपके पास तो ऐप स्टोर पर से आपको ऐप मिल जाएंगी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है तो जरूर से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए तो आप अफोर्डेबल प्राइस के अंदर स्टडी मटेरियल जो है वो एक्सेस कर पाओगे रैपिड रिविजन नोट्स होंगे उसके अंदर एज वेल एज द स्टडी मटेरियल तो फार्मारॉक्स का स्टडी मटेरियल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर सब आप डायरेक्टली अब एक्सेस कर पाओगे फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर सभी so डाउनलोड करिए ऐप फार्मारॉक्स एंड्रॉय ऑपन गूगल प्ले एपल आईफन अपॉन एप स्टोर तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी स्टूडेंट ये स्टडी कर रहा है उसको डेफिनेशन पता होना चाहिए प्री फार्मुलेशन की तो प्री फार्मुलेशन मतलब कि ऐसे स्टडी की फार्मुलेशन बनाने से पहले जो हम प्राइमरी बेसिस पे जो स्टडी करते हैं उसको हम प्री फार्मुलेशन कहते हैं कि जैसे उसके स्पेलिंग के अंदर ही है आप देखो तो सबसे पहले लिखा है प्री प्लस फॉर्मुलेशन मतलब कि फॉर्मुलेशन बनाने से पहले प्री मीन्स बिफोर प्री का सिनोनिम हम बोले तो इंग्लिश में बिफोर होगा बिफोर द फॉर्मुलेशन द स्टडी विच आर कैरिड आउट बिफोर द फॉर्मुलेशन और बिफोर द यहां पे एक वर्ड हम ए और ऐड कर सकते हैं वो है बिफोर द फाइनल फार्मुलेशन बिफोर द फाइनल फार्मुलेशन कि जो हमारा फाइनल फार्मुलेशन बनेगा फाइनल जो एंड प्रोडक्ट बनेगी तो उससे पहले जो हम अलग अलग पर स्टडी करेंगे उसको हम कहेंगे प्री फार्मुलेशन स्टडी तो जो डेफिनेशन ऐसा बनता है कि जब आप कोई रिसर्च कर रहे हैं कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं मतलब कि जो ये प्रोजेक्ट वर्क के अंदर टाइटल्स होते हैं कि टू डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट टू डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कि आप कोई नया डोजेस फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर उसको डेवलप कर रहे हैं या फिर आप कोई प्रोसेस को कैरेक्टराइज कर रहे हैं या फिर उसके अंदर कोई नए एवेल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो कैरेक्टराइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन और टू परफॉर्म और टू कैरी डाउट इस तरह के टाइटल वाले बहुत सारे रिसर्च होते हैं प्रोजेक्ट वर्क्स होते हैं तो उसमें जो भी रिसर्चर है या फिर जो रिसर्च साइंटिस्ट है वो क्या करते हैं तो सबसे पहले प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करते हैं जिसके अंदर जो भी उनके पास कोई ड्रग मॉलिक्यूल होता है कोई एक्सीपेंट होता है कि जो वो यूज़ करेंगे उनके स्टडी के अंदर तो उनका सबसे पहले किया जाएगा प्रॉपर प्री फार्मुलेशन स्टडी और उसके अंदर जो फिज़िकल एंड जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल की वो हम अच्छे से स्टडी करते हैं और उसके रिलेटेड प्रॉपर हम अलग अलग प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करते हैं कि जैसे कि समझो कि उसकी सॉलिबिलिटी स्टडी करते हैं आप ड्रग की ड्रग का मेल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करते हैं उसकी पॉलीमॉर्फिज्म स्टडी करके देखते हैं उसकी प्योरिटी चेक करते हैं प्लस उसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है या नहीं वो स्टडी करते हैं जैसे बहुत सारे अलग अलग प्री प्रीफार्मेशन स्टडीज इसके अंदर की जाती है और ये करने के पीछे जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है परपस से वो है कि टू डेवलप सेफ इफेक्टिव एंड स्टेबल डोजेस फॉर्म कि प्री कि बिफोर द फाइनल फार्मुलेशन हम एक ऐसे स्टडी कर लेंगे कि जिससे हमें पता चलेगा कि आगे जाके कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं होगी और अगर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है तो हम यहाँ से ही कुछ मॉडिफिकेशंस करके फिर फाइनल प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द प्री फॉर्मुलेशन तो फिर से एक बार उसको देखते हैं डेफिनेशंस के आगे कि जो रिसर्च करने वाला जो रिसर्चर है वो उसके अंदर मेनली क्या करता है जो भी कोई रिसर्च साइंटिस्ट है वो परफॉर्म करता है प्री फॉर्मुलेशन स्टडी और उसके अंदर कैरेक्टराइज किए जाते हैं फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी या फिर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऐसे भी आप अलग अलग लिख सकते हैं और ये पॉइंट आपको जरूर से लिखना है टू डेवलप सेफ एंड इफेक्टिव डोजेस फॉर्म और द फाइनल प्रोडक्ट तो पार्ट वन जो हमारा था उसके अंदर हमने सब बेसिक सीखा था सबसे पहले तो कि जिसके अंदर उसके ऑब्जेक्टिव है स्टडी के कि वाट आर द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस प्री प्रीफार्मुलेशन स्टडी कौन सी अलग अलग स्टडी परफॉर्म की जाती है प्री प्रीफार्मुलेशन के अंदर किस तरह से हम ड्रग को आइडेंटिफाई करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी है अलग अलग पॉलिमोर्फिजम स्टडी हम करते हैं फिर जो पार्ट टू लेक्चर था उसके अंदर हमने माइक्रोस्कोपी रिलेटेड स्टडी किया था देन वी हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट द थर्मल एनालिसिस एक्स एक्सरे डिप्रेशन हाइग्रोस्कोपिसिटी स्टडी इवन हाइग्रोस्कोपिसिटी में से जी पेट ट्वेंटी में एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया कि जो हमने आपके साथ डिस्कस किया था पॉइंट तो वो था पार्ट टू लेक्चर एफ स्टडी भी हमने आपको डिटेल में बताया कि किस तरह से एफ स्टडी होती है इन प्री फॉर्मुलेशन विद देयर डेटा फिर पार्ट थ्रू थ्री कि पार्ट थ्री के अंदर हमने सॉलिबिलिटी स्टडी बिकॉज जब आपको कोई इफेक्टिव ड्रग एब्जॉर्बस चाहिए अच्छी बायोबिलिटी चाहिए एज वेल एज़ आपको जो हम कहते हैं कि डिजॉल्यूशंस के अच्छे डेटा चाहिए कि प्रॉपर टाइम लिमिट के अंदर आपकी जो ड्रग है वो अच्छे से डिजोल्व हो जाए तो उसके लिए जरूरी है प्रॉपर सॉलिबिलिटी स्टडी करना तो उसके बारे में हमने स्टडी की कि लाइक सॉलिबिलिटी का किस तरह से डेटा को एनालाइज किया जाता है हाउ टू चेक दिस सॉलिबिलिटी व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ इट एंड किस तरह से उसका रिजल्ट एंड डिस्कशन हम लास्ट में जनरेट करते हैं तो अब जो पार्ट फोर है हमारा स्पेशली वो रहेगा मॉलिकुलर्स के बेसिस पे कि जिसको हम कहते हैं मोलिकुलर एडक्ट्स तो मॉलिकुलर एडक्ट्स के अंदर हम स्टोक्योमेट्रिक स्टडी करते हैं इंक्लूजन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं हाइड्रेट्स एंड सॉल्वेट्स के बारे में स्टडी करते हैं एंड ऑल्सो विल डिस्कस अबाउट देयर एग्जाम्पल एंड डिटेल समरी तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द मॉलिक्यूलर एडक्ट्स तो ये फर्स्ट पॉइंट जो है वो खास समझिए कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कि जब क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है सम कंपाउंड हैव टेंडेंसी टू ट्रैप द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सम कंपाउंड हैव ए टेंडेंसी टू ट्रैप द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एडक्ट्स मॉलिक्यूलर एडक्ट्स जो हम कहते हैं इसको तो नॉन स्टॉक्योमेट्रिक इंक्लूजन कंपाउंड कि जिसको एडक्ट्स कहते हैं इन दिस क्रिस्टल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आर एंट्राप्ड मॉलिक्यूल्स आर एंट्राप विद इन द क्रिस्टल लेटाइस अब समझिए ये जो एंट्रापमेंट वो क्या है पहले आप ये पॉइंट देख लीजिए फिर मैं आपको उसका बहुत ही इजी एग्जांपल देके उसको एक्सप्लेन करता हूं तो यहाँ तक हम पहुंचे थे कि इन दिस क्रिस्टल सॉल्वेंट्स मॉलिक्यूल्स आर एंट्राफ विद इन द क्रिस्टल डेटाइज एंड द नंबर ऑफ सॉल्वेंट्स मॉलिक्यूल आर नॉट इंक्लूडेड इन स्टोक्योमेट्रिक नंबर तो यहाँ पे क्या है कि क्रिस्टलाइजेशन की जब प्रोसेस होती है तो उसके अंदर क्या होता है जब क्रिस्टल फॉर्म होते हैं तो क्रिस्टल जब नए फॉर्म होते हैं तो समझो कि ये क्रिस्टल का ये कोई स्ट्रक्चर इस तरह से तैयार हो रहा है कि जिसको हम कहते हैं क्रिस्टल का लेटाइस इस तरह से कोई आपका क्रिस्टल का जो लेटाइस जो है वो तैयार हो रहा है दिस इज क्रिस्टल और उसको समझो कि ये जो सेल है उसको हम कहते हैं कोई यूनिट सेल क्रिस्टल का ये है यूनिट सेल तो ये क्रिस्टल तो क्या हुआ एक टाइप से हुआ सॉल्यूट हुआ क्रिस्टल एक है सॉल्यूट बिकॉज क्रिस्टलाइजेशन कब होता है कि जब हम सेचूरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं सेचूरेटेड को फिर सुपर सेचूरेटेड करते हैं और फिर उसको थोड़ा हम कूल cool डाउन करते हैं तो उसके अंदर फिर क्रिस्टल डेवलप होते हैं तो जो एक्सेसिव अमाउंट में जो डिजल हुआ सॉल्वेंट, वो क्रिस्टल के फॉर्म में या फिर प्रेसिपिडेट्स के फॉर्म में हमें वो वापस मिलता है तो समझो कि ये है आपके पास कोई क्रिस्टल का सॉल्यूट का कोई क्रिस्टल तो यहां पे क्या लिखा है देखिए कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सम कंपाउंड कुछ कंपाउंड ऐसे हो देखिए समझो कि ये कंपाउंड ही ऐसा है कि जिसके पास ऐसे टेंडेंसी है एबिलिटी है टू ट्रैप ट्रैप करना मतलब कि किसी को उसके अंदर जो है वह ट्रैप करना लाइक समझो कि कोई केज है कोई केज है और केज के अंदर आपने किसी एनिमल को ट्रैप करके रखा है तो उसका मतलब क्या हो कि आपने उसको वो उसके अंदर प्रॉपर ट्रैप कर लेके जैसे कि हम अलग अलग जू वगैरह में देखते हैं कि अलग अलग केजेस के अंदर अलग अलग एनिमल्स बर्ड्स वगैरह को रखे हुए होते हैं तो वो केजेस के अंदर ऐसे एनिमल्स को हम ट्रैप करके रखते हैं सेम लाइक दैट यहाँ पे भी कुछ ऐसे सॉल्यूट के क्रिस्टल बनते हैं तो उनके पास एबिलिटी होती है कि कुछ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को उसके अंदर ट्रैप कर ले तो ये जो सॉल्यूट का क्रिस्टल है उसके अंदर समझो कि ये कोई मॉलिक्यूल हम जो ड्रॉ कर रहे हैं कि ये एक मॉलिक्यूल या फिर यहाँ पे कोई एक मॉलिक्यूल है यहाँ पे है तो इसे कुछ मॉलिक्यूल्स को कि ये जो मॉलिक्यूल है वो किसके मॉलिक्यूल है सॉल्वेंट के और वो हो चुके हैं इसके अंदर ट्रैप तो ये है मॉलिक्यूलर एडक्ट्स कि कुछ क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान ऐसे भी क्रिस्टल बनते हैं कि जिनके पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को भी उसके अंदर ट्रैप कर ले तो ये बन जाता है ये जो फिनोमिन है उसको हम कहते हैं मोलिकुलर एडक्ट्स तो डिपेंडिंग ऑन द सेव दे आर थ्री टाइप्स टोटल थ्री टाइप के मॉलिकुलर एडक्ट्स जो है वो तैयार होते हैं एक है चैनल टाइप के एडक्ट्स व्हेन द क्रिस्टल कंटेंट कंटिन्यूस चैनल इन विच द सॉलवेंट मोलिक्यूल्स कैन भी इंक्लूडेड एग्जाम्पल इज यूरिया फॉर्म्स चैनल कि जैसे कोई चैनल हो सीरीज हो इस टाइप का एक कंटिन्यूस चैनल जो है डेवलप होता है जब क्रिस्टल फॉर्म होता है कि वैन द क्रिस्टल कंटेंट्स कंटिन्यूस चैनल इन विच द सॉलवेंट मोलिक्यूल्स कैन भी इंक्लूडेड तो क्रिस्टल के अंदर जो है वो चैनल टाइप के सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स उसके अंदर ट्रैप होते यहां पे भी ट्रैप तो होता ही है बट इन्हें चैनल के फॉर एग्जांपल है उसका यूरिया के अंदर यूरिया फॉर्म्स चैनल सेकंड है अब लेयर्स सेकंड है लेयर्स तो हियर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर एंड्राप्ड इन बिटवीन द लेयर्स ऑफ क्रिस्टल कि समझो कि ये एक लेयर है क्रिस्टल का ये दूसरा लेयर है क्रिस्टल का ये तीसरा लेयर तो ये लेयर्स के बीच में कोई आपका मॉलिक्यूल ऐसे सॉल्वेंट के ट्रैप हो जाते हैं तो ये होगा लेयर्स के अंडर ट्रैपिंग होना ऑफ द मॉलिक्यूल्स थर्ड इज क्लेथरेट्स कि जिसको हम कहते हैं केज सॉल्वेंट मॉलिकुल्स आर एंट्राप विद इन द कैटी ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम ऑल साइड और ये कैथरेट्स क्लै क्लैथरेट्स के अंदर स्पेशली हम ये इस टाइप से भी बता सकते हैं कि ये आगे के सरफेस से फिर ये पीछे की ओर जा रहा है और वहाँ पे समझो कि इस टाइप का केज जैसा तैयार हो रहा है और ये केज के अंदर सेंटर में कोई मॉलिक्यूल जो है वो एंट्रॉप हो जाता है फ्रॉम ऑल साइड कि ना वो ये साइड से निकल सकता है ना ही ये साइड ना ही ऊपर नीचे या साइड सभी साइड से वो क्या हो गया है प्रॉपर ट्रैप तो ये क्रिस्टल के अंदर जो क्या थी प्रॉपर कैविटी थी और वो कैविटी के अंदर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स एंट्रॉप हो गए हैं तो यहां से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं फ्रॉम द मोलिकुलर एडक्ट बिकॉज प्री फॉर्मुलेशन में से भी हर बार जीपैट है नाइपर है डी आई गवर्नमेंट फार्मास जैसे एग्जाम्स के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे ही गए हैं तो ये पॉइंट भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग मोलिकुलर एडक्ट्स तो आप यहाँ पे एक एग्जाम पर लिख सकते हैं कि यूरिया का जो रिंग फॉर्मेशन है तो यूरिया के अंदर जब हम देखते हैं तो यहां पे हम देख सकते हैं ये वाले जो अंदर ये रेड कलर के जो डॉट्स कि जो हम देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या हुआ है स्पेशली एंट्रापमेंट हुए हम देख सकते हैं तो मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स हैज इनकॉर्पोरेटेड द क्रिस्टलाइजिंग सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इनटू द स्पेसिफिक साइट विद इन द क्रिस्टल लेटाइज एंड हैज स्टोक्योमेट्रिक नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स मतलब कि एक मॉलिक्यूल का कॉम्प्लेक्स तैयार होता है कि लाइक साइक्लोडेक्सट्रीन है तो साइक्लोडेक्सट्रीन के साथ जो है वो कॉम्बिनेशन बनता है कि ये है समझो कि साइक्लोडैक्सट्रीन और उसके साथ जो कोई मॉलिक्यूल है वो अपना कॉम्प्लेक्स बनाता है तो समझो कि आपकी ड्रग ने ही उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाया है तो उसको हम कहेंगे ड्रग प्लस साइक्लोडेक्सट्रीन इंक्लूजन ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स की एबिलिटी होती है तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं बिकॉज जब आप प्रीफॉर्मेशन स्टडी करते हैं और आपको ऐसा पता चलता है कि आपकी ड्रग की सॉलिबिलिटी काफी पुअर है आपकी ड्रग का टेस्ट बिटर है तो आपको समझो कि उसका टेस्ट मास्किंग करना है कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन कहा होता है कि समझो कि आपको टेस्ट मास्किंग करना है सेकंड आपको सॉल्युबिलिटी एनहांस करनी है सॉल्युबिलिटी को एनहांस करनी है तो उस वक्त ये कॉन्सेप्ट आपके काम आता है कि समझो कि आप ऐसा इंक्लूजन कंपाउंड्स बनाते हैं बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट कि आपकी जो ड्रग है वो प्रॉपर ट्रैप हो जाए कि लाइक इसके अंदर कि ये जो क्लेथरेट्स का जो हम एग्जांपल ले रहे हैं कि मोलिकुलर एडक्ट्स जो कॉन्सेप्ट है तो समझो कि ये कॉन्सेप्ट को आप यूटिलाइज करें कि आपकी जो ड्रग है ये समझो कि बीच में जो सेंटर में है वो आपकी कोई ड्रग है कि जो ड्रग है उसको आपने किसी सॉल्व के अंदर प्रॉपर डिजोल्व कर दिया है और अब उसका जब प्रॉपर आप क्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं तो प्रॉपर जो ड्रग जो डिजोल्व हुई है वो ड्रग अब सॉल्वेंट में होगी और वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आप उसके अंदर यहाँ पे एंट्रप करवा सकते हैं एज वेल एज समझो कि दूसरा कोई आपके पास कंपाउंड है ऐसा कि उसकी आपको सॉल्युबिलिटी एनहेंस करनी है तो यहाँ पे यह कॉन्सेप्ट आपको यूटिलाइज कर सकते हैं एज़ वेल एज़ बीटा साइक्लोडेक्सट्रिन करके कंपाउंड होता है साइक्लोडेक्सट्रिन का बीटा फॉर्म उसके साथ भी इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स बनते हैं जिसका यूटिलाइजेशन होता है आगे टेस्ट मास्किंग टेक्निक के अंदर सॉलिबिलिटी एनहांसमेंट के अंदर तो ये कॉन्सेप्ट जो है प्री प्रीफार्मलेसन के अंदर समझो कि आप सीख लेते हैं तो आगे जाके जब आप कोई रिसर्च करते हैं को है, कोई डेवलपमेंट करते हैं कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं उस वक्त ये नॉलेज जो है आपके काम आता है अब जो हमें नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ना है वो है वॉट आर द हाइड्रेट्स एंड व्हाट आर द सॉल्वेट्स। तो हाइड्रेट्स एंड सॉल्वेट्स आर थर्स मल्टी कंपोनेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड मॉलिकुलर एडक्ट्स कंटेनिंग बॉथ वन इज होस्ट मॉलिक्यूल की जिसको हम कहते हैं एपीआई और एक्सीपीएं एंड सेकंड इज गेस्ट मॉलिक्यूल कि जिसको हम कहते हैं वाटर और हाइड्रेट्स अदर सॉल्वेंट कि जिसको हम कहते हैं सॉल्वेट फिर से समझिए आपको शायद समझ में नहीं आएगा फर्स्ट लाइन में इसलिए मैं यहां से फिर से अब आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं कि जो हाइड्रेट्स है कि हाइड्रेट्स एंड सॉल्वेट्स आर मल्टी कंपार्टमेंट और मल्टी कंपोनेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड हाइड्रेट्स या फिर सॉल्वेट्स ऐसे सॉलिड मॉलिक्यूलर एडक्ट्स है अब जो हम जो बात कर रहे हैं वो मॉलिक्यूलर एडक्ट्स के एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं कि हाइड्रेट्स uh, का है या फिर हम सॉल्वेट्स का है तो ऐसे मल्टी कंपोनेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड मॉलिक्यूलर एडक्ट है कि जिसके अंदर दे कंटेनिंग बॉथ बॉथ में क्या तो एक है उसका होस्ट मॉलिक्यूल एक है उसका होस्ट का जिसको हम कहते हैं एपीआई और एक्सिपिएंट तो समझो कि नीचे मैंने एक एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको तो वहाँ पे अब मैं वो लिख रहा हूँ समझो कि ये तैयार हो रहा है कोई हाइड्रेट ये तैयार हो रहा है हाइड्रेट और ये साइड तैयार हो रहा है सॉल्वेट ये जो तैयार हुआ है वो हाइड्रेट है एंड ये जो तैयार हुआ है वो है सॉल्वेट तो हाइड्रेट एंड सॉल्वेट सोल्वेट क्या, क्या है तो मल्टी कंपोनेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड मॉलिक्यूलर एडिकट है तो हाइड्रेट भी सॉलिड होगा सॉल्वेट भी समझो कि सॉलिड ही है जिसके अंदर एक है होस्ट मॉलिक्यूल की जिसको हम एपीआई या फिर एक्सीपेंट कहते समझो कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है हमारा वो है फॉर एग्जाम्पल एपीआई इसको भी मैं कहता हूं चलो ए है ये और दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा वो होगा गेस्ट मॉलिक्यूल तो इसको हम कहते हैं कोई गेस्ट मॉलिक्यूल ये वाला भी गेस्ट मॉलिक्यूल तब ये दोनों के बीच में जो प्रोसेस होगी मॉलिक्यूलर एडक्ट्स जो तैयार होगा कि एंट्रापमेंट होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का इन ए ड्रग या फिर जो होस्ट के अंदर कि जो ए है या फिर एक्सीपेंट है वो होस्ट है और उसके अंदर एंट्रापमेंट होगा सॉल्वेंट का फिर से समझिए काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि होस्ट है उसके अंदर होस्ट विल एंट्राप गेस्ट और होस्ट तरीके समझो की है कोई आपका ए और उसके अंदर कोई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ट्रैप हो रहा है ए है कोई ड्रग या फिर कोई सॉलिड जिसको हम कहेंगे सॉल्यूट तो ये सॉल्यूट के अंदर ये सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल एंट्राप हो जाता है तो जब हाइड्रेट एंड सॉल्वेट्स वगैरह तैयार होते हैं तो इस तरह से एक दो कंपोनेंट बनते हैं एक कंपोनेंट है होस्ट कंपोनेंट दूसरा कंपोनेंट है गेस्ट कंपोनेंट तो समझो कि ये है होस्ट ये है गेस्ट तो होस्ट विल ट्रैप द गेस्ट मतलब कि ऐसा हुआ कि सॉल्यूट के कि होस्ट so जो है वो आपका सॉल्यूट है गेस्ट जो है वो सॉल्वेंट है तो सॉल्यूट के कुछ मॉलिक्यूल सॉल्वेंट को क्या करेंगे ट्रैप तो सॉल्यूट विल ट्रैप सॉल्वेंट मॉलिक्यूल तो उसके कारण दो अलग अलग टाइप के जो है वो सीडोपोलीमोफिक फॉर्म्स तैयार होंगे कि जिसको हम कहते हैं हाइड्रेट्स या फिर सॉल्वेट्स तो वो हम जानते हैं अब डिटेल में तो इन सॉल्वेंट सॉलवेंट इज़ वाटर कि समझो कि एंट्राफ हुआ जो सॉल्वेंट है वो वाटर है तो उसको हम कहेंगे हाइड्रेट कि ये वाला समझो कि मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे आपको इजीली समझ में आ ही जाएगा मुझे नहीं लगता कि अब आपकी क्वेरी सॉल्व ना हो यह मैंने जो अभी ड्रॉ किया वो क्या है सॉल्वेंट है सॉरी वो है सॉल्यूट है और ये है मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट के तो हाइड्रेट्स कब तैयार होते हैं तो ये सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स है वो अब सॉल्यूट के अंदर हो जाएंगे ट्रैप या फिर इन कॉरपोरेटेड इनकॉरपोरेटेड सॉल्वेंट और सॉल्वेंट है समझो कि वाटर है तो ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूट की जो कैविटी है उसके अंदर हो रहे हैं अब ट्रैप तो ये जो मॉलिक्यूल्स थे वाटर के वो अब यहां पे अंदर ट्रैप हो गए हैं इस तरह से तो अब ये जो स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है उसको मैं कहूंगा हाइड्रेट्स उसको हम कहूंगा हाइड्रेट की जिसके अंदर सॉल्यूट है प्लस ट्रैप्ड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूट तो है बट उसके अंदर ट्रैप हुआ सॉल्यूट का मॉलिक्यूल है कि जिसको हम कहते हैं उसका हाइड्रेट तो है उसका मेन कॉन्सेप्ट कि जब इनकॉर्पोरेटेड सॉल्वेंट के तौर पे है वाटर है तो उसको हम कहते हैं हाइड्रेट्स हाइड्रेट ऑफ दैट कंपाउंड फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ऑफ ए हाइड्रेट्स आर ग्लूबर्स सॉल्ट तो उसके अंदर हम देखो ये फॉर्मूला के सोडियम सल्फेट डैकाहाइड्रेट तो सोडियम सल्फेट जो है Na2SO4 उसके अंदर हाइड्रोजन सॉरी हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल और वो टेन है मतलब कि हाइड्रोजन के टोटल ट्वेंटी मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के टोटल टेन मॉलिक्यूल उसके अंदर क्या हो गए हैं इनकॉर्पोरेटेड तो उससे जो हाइड्रेट बन रहा है उसको हम कहते हैं सल्फेट डेका हाइड्रेट डेका इसलिए कि यर एच टू इज इक्वल टू टेन दैट्स वाई इट इज कॉलेड डेका हाइड्रेट अगर पांच एच टू है फाइव एच टू देन इट इज कॉले पेंटा हाइड्रेट तो दिस इज ये वेरी वेरी मोस्ट आई एम पी पिन पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है ये पिन पॉइंट ऑफ ग्लोबल सॉल्ट कि इसमें से भी एम सी क्यों पूछा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल ए ग्लोबल सॉल्ट फाइंड आउट द एग्जाम्पल ऑफ ए हाइड्रेट तो ग्लोबल सॉल्ट जो है वो एक हाइड्रेट है सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट इज वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डैकाहाइड्रेट एंड इट इज ऑल्सो कंटेन्स द टेन एच टू ओ Third example is borax. Third example is the borax. Sodium tetraborate decahydrate. Because here also the 10 oxygen and 20 hydrogen atom. It means the 10 water molecules are entrapped. Same here in global salt 10 H2O.

MgSO4 into एसओ फॉर इंटू सेवन एच टो इट इज ऑल्सो अब नेक्स्ट बात है सॉल्वेंट्स की कि अगर एंट्रॉप हुआ सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जो है वो वाटर नहीं है सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर लाइक इथेनॉल है मीथेनॉल है इथाइल एसिडेट है या फिर हैक्जैन क्लोरोफॉम वगैरह है एंट्राफ हुए मॉलिक्यूल्स तो उसको हम कहेंगे सॉल्वेट्स फॉर एग्जाम्पल पेंटानॉल सॉल्वेट्स पेंटानॉल इज ए सॉल्वेट ऑफ फ्लूड्रोकॉर्टिसन दिस इज योर वेरी वेरी मोस्ट आई एम पी स्लाइड ये स्लाइड में से जरूर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेस्स पूछा जा सकता है तो पेंटानॉल इज ए सॉल्वेट ऑफ of uh, fludrocortisone and second chloroform is a solvent of graciofulvin cephalexin hydrate though these both are the very very most IMP pinpoint ki chloroform is a solvent of graciofulvin cephalexin hydrate very very most IMP pinpoint. तो ये पॉइंट आपको जरूर से अच्छे से तैयार करना है कि व्हाट इज द सॉल्वेट्स कि जब इस टाइप के कोई केज है कि ये समझो कि अब ये केज के अंदर अंदर एंट्रप हुआ मॉलिक्यूल समझो कि है इथेनॉल अदर देन वाटर तो उसको मैं क्या कहूँगा सॉल्वेट और ये है सोल्यूट का मॉलिक्यूल और उसके अंदर इथेनॉल एंट्रफ हुआ है तो इनकॉर्पोरेटेड मॉलिक्यूल इज अदर देन वॉटर इन ए गिवन सॉल्वेट देन इट इज कॉल ए सॉल्वेट्स तो ये भी आप जरूर से टेबल याद रखिए कि व्हाट आर द एनहाइड्रस व्हाट आर हेमीहाइड्रेट्स व्हाट आर द मोनोहाइड्रेट्स एंड वॉट आर द डाईहाइड्रेट्स द वॉट इज एन हाइड्रस एन हाइड्रेट इट मीन्स वन मोल इज कंपाउंड प्लस जीरो मोलइज ऑफ वाटर तो उसका मतलब यह है कि इसके अंदर कोई भी वाटर का मोलिक्यूल या ड्राफ नहीं है इट मीन्स एनहाइड्रस दैट्स वाई द फॉर्म्यूला इज सी यू एस ओ फॉर ऑनली देर इज नो एस टू ओ इन द फॉर्म्यूला सेकेंड इज हेमीहाइड्रेट्स वन मोल कंपाउंड प्लस वन हाफ मोल ऑफ वाटर द एग्जाम्पल इज कैल्सियम सल्फेट हाइड्रेट। एंड हेयर वी कैन सी सी एस फॉर इन टू पॉइंट फाइव एच टू ओ थर्ड एग्जाम्पल इज मोनोहाइड्रेट वन मोल कंपाउंड प्लस वन मोल वाटर दैट इज कैल्शियम क्लोराइड मोनोहाइड्रेट इट मीन्स सी एस सी एल टू इन टू एच टू ओ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वन मोल ये कंपाउंड एंड वन मोल ऑफ ए वाटर यहाँ पे वन मोल है सी ए एस का एंड वन हाफ मोल है वाटर का थर्ड एग्जांपल है डाईहाइड्रेट वन मोल ऑफ कंपाउंड हियर इज सोडियम सॉरी पोटासियम सल्फाइड वन मोल ऑफ ए के टू एस ओ थ्री एंड टू मोल्स ऑफ ए वाटर तो ये है डाईहाइड्रेट जैसे डेकाहाइड्रेट के अंदर वन जेम टेन होता है कि वन मोल कंपाउंड एंड टेन मोल्स ऑफ वाटर वन जेम फाइव है तो वन मोल ऑफ कंपाउंड एंड फाइव मोल ऑफ वाटर तो वो पेंटाहाइड्रेट हो तो बहुत सारे अलग अलग हाइड्रेट्स होते हैं कि जिसके रिलेटेड आपको डिटेल में स्टडी करनी पड़ती है तो ये है हाइड्रेट्स एंड सॉल्वेट्स तो कंटिन्यू रखेंगे प्री फॉर्मेश्स को अगले पार्ट के अंदर भी टिल देन मस्ट जॉइन अस इन ए व्हाट्सएप ग्रुप्स सेंड योर नेम सिटी नेम एंड व्हाट्सएप ऑन नाइन फोर टू सिक्स वन एट जीरो एट थ्री सिक्स जॉइन अस इन ए व्हाट्सएप यूज द दिन गूगल प्ले एप अपन ऐप स्टोर सो एक्सेस द स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड द वीडियो लेक्चर ऑन द एफ फार्मर ऑक्स So good luck and all the best.